भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 5 वनडे मैच खेलने हैं। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे और फिर विश्व कप में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद की अगुवाई में वनडे टीम में जिन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, लगभग यही खिलाड़ी विश्व कप की टीम में शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव शायद ही देखने को मिले। टीम के चयन से पहले इस पर काफी विवाद हो रहा था कि ऋषभ पंत को विश्व कप टीम का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों के लिए जिस टीम का ऐलान किया गया है उसमें ऋषभ पंत को शामिल किया गया है, लेकिन दिनेश कार्तिक वनडे टीम का हिस्सा नहीं है। यानी यहाँ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद दिनेश कार्तिक को विश्व कप टीम में जगह भी ना मिले। हालांकि इसके बारे में कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर तो कार्तिक के अनुभव पर पंत का जोश ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है। ऋषभ पंत को भविष्य का विकेटकीपर बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन वो काफ़ी युवा हैं और तेज़ी से सीख रहे हैं। साथ ही साथ उनकी बल्लेबाजी में वो आक्रामकता भी नज़र आती है जिसकी टीम को ज़रूरत है। पंत के बारे में काफ़ी खिलाड़ियों ने कहा है कि उन्हें विश्व कप टीम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। खुद चयनकर्ता एमएसके प्रसाद भी उन्हें विश्व कप टीम में शामिल करने के लिए अहम मानते हैं। इस बार उन्हें वनडे टीम में शामिल करके खुद को साबित करने का मौका मिला है। वैसे पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाकर काफ़ी कुछ जाहिर कर दिया था। अब इन 5 वनडे मैचों में अगर वो बेहतरीन खेल दिखा जाते हैं तो उनकी जगह पक्की हो सकती है। वैसे भी इंग्लैंड में विश्व कप के दौरान 2 विकेटकीपर की ज़रूरत टीम को पड़ेगी। एक विकेटकीपर धोनी पक्के हैं, लेकिन दूसरे विकेटकीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक व ऋषभ पंत का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से पंत ने बाजी मारी है उससे तो यही लगता है कि शायद वो विश्व कप टीम में दूसरे विकेटकीपर के तौर पर शामिल किए जाएं। अगर ऐसा होता है तो दिनेश कार्तिक का इस विश्व कप में खेलने का सपना टूट सकता है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें, और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।